मेरा नाम संदीप कोटेचा है. मैं गोवा का लाइन प्रोड्यूसर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ. गोवा की बात करें अगर तो किस तरह के लाइन प्रोड्यूसर में कितनी अभी तक किस तरह की फिल्में हैं, मतलब गोवा टूरिज्म के मामले में बॉलीवुड के मामले में कितना आगे है? सर गोवा खाली बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड के भी बहुत फिल्म बनते हैं. इवन अलग अलग कंट्रीज से भी आते हैं, जैसे जर्मन फिल्म्स बनते हैं, कैनेडियन फिल्म्स बनते हैं और लॉट ऑफ इंटरनेशनल शूट्स बहुत होते हैं. क्योंकि गोवा क्या है, डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए और यहाँ हर एक दुनिया के लोग आके जब फेस्टिवल में आते हैं तभी ये लोकेशन देखते हैं, तभी हमारे पास आते हैं और हमसे कहते हैं कि भाई हमको गोवा में शूट करने का है. खाली बॉलीवुड वाले नहीं, बॉलीवुड वाले नहीं, सब तरह तरह के प्रोड्यूसर्स आते हैं गोवा में शूट करने के लिए. क्योंकि सबसे इजी अगर आप कमर्शियली अगर सोचोगे गोवा में शूट करने का है तो आप पहले तो एक तो इतना बड़ा आकाश देखोगे, दरिया देखोगे, इतना अच्छी ब्यूटी है. वो दरिया है, इतना बड़ा आकाश है, सैंड इतना पावरफुल है कि अक्खे कम से कम 600-700 लोगों का शॉट्स ले सकते हैं एक एरिया में. दुनिया के कौन से भी कोने में जाओ इतनी लंबी रेती आपको किधर भी नहीं मिलेगी. बीच में सब शैक्स है, आप जो देख रहे हो वो शैक्स है. इधर पीछे सब होटल्स है तो आपको सब चीज़ इधर कॉमन फैसिलिटीज़ मिल रही है. और दूसरा पॉइंट ये है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू में कि आप जहाँ भी जाओगे, कौन से भी एरिया में जाओगे, विलेज में जाओगे तो आपको मच्छी मार्केट पहली दिखाई देगी, उसके सामने क्रॉस दिखाई देगा, उसके थोड़ा आगे जाओगे तो बार दिखाई देगा, उसके आगे अगर थोड़ा आगे जाओगे तो आपको पुराने पोर्चुगीज़ घर दिखाई देंगे और उसके आगे जाओगे तो खेत दिखाई देगा. अभी तक तो सब्सिडी का मैटर चालू है, थोड़ा टाइम लगेगा. मेरे को लगता है बाय अगस्त तक सब्सिडी आ जाएगी. बट सब्सिडी जो दी जाती है वो मराठी और कोंकणी फिल्म के लिए ही दी जाती है फिलहाल. हिंदी के लिए अभी कोशिश चालू है, आश्वासन तो देते हैं सब मंत्री लोग मगर हकीकत में क्या होता है अल्लाह जाने. मैं कम से कम 30 साल हो गए सर. मैंने करीबन 63 फिल्में की है. ज़्यादातर मैं अभी इंटरनेशनल शूट ज़्यादा लेता हूँ क्योंकि क्या है कि इंटरनेशनल शूट्स में बहुत कुछ सीखने को मिलता है. उसके बाद हम लोग सब बैठते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं और उसके बाद हमारे दोस्त लोगों को भी हम ट्रेन करवाते हैं वैसे, ताकि हम लोग एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर रहे. ऑलरेडी सारी फिल्में बनी हैं
जैसे कि अभी रिसेंटली सुभाष सहगल की फिल्म बनी थी, गोवा में भी शूट हुआ था, 15 दिन अपना 7 दिन का शूट किया था उन्होंने। फिर काफ़ी सारे फिल्में आ चुकी है ऑलरेडी, और जो भी है अभी नए वाले आ रहे हैं वो सब नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग, यंगस्टर्स आ रहे हैं, 21 साल की उम्र से आ रहे हैं। अभी फिलहाल तो मैं सोल करी का कर रहा हूँ, कोंकणी फिल्म का, वो भी हमारे दोस्त लोग है, तो दोस्त इसमें जैकी श्रॉफ, सीमा विश्वास और गोवा के लोकल एक्टर्स भी है, जो जिसका नाम केविन डिमेलो है, सोनम है और बहुत सारे आर्टिस्ट है पूरे ये फिल्म में। सर, सोल करी की बात करें तो किस तरह की मूवी? देखो, ये सब्जेक्ट जो है वो वुमन ओरिएंटेड फिल्म है, सब्जेक्ट पूरा वुमन ओरिएंटेड है, तो इसमें एक अलग सी फीलिंग होती है वुमन को, आदमी की अलग फीलिंग होती है इस फिल्म के बारे में, वही मिक्सचर। We'll be right back.